कश्मीर से 370 हटने के बाद सदमे में आया पाकिस्तान उससे उबर नहीं पाया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के उल जलूल फैसले और दुनिया का साथ ना मिलने से ये बौखलाहट और बढ़ गई है। कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने के पाकिस्तान के पैतरे को भारत ने एक बार फिर नाकाम कर दिया। पीएम मोदी ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि इंटरनेशनल बिरादरी को साफ संदेश दे दिया है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान हरकतों से बाज नहीं आया तो भारत बड़े से बड़ा फैसला लेने से पहले दुनिया से पूछेगा नहीं। कश्मीर पर कूटनीतिक युद्ध में कल अचानक अमेरिका इसका सेंटर बना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के पीएम मोदी और फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को फोन किया। मोदी और ट्रंप की बातचीत 30 मिनट चली जबकि इमरान की ट्रंप से सिर्फ 12 मिनट बातचीत हुई। मोदी और ट्रंप ने 30 मिनट में कई मुद्दों पर चर्चा की जबकि इमरान ने 12 मिनट में सिर्फ एक ही रोना रोया, कश्मीर कश्मीर और कश्मीर। मैंने अपने दो अच्छे मित्र भारत के प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खान से व्यापार, रणनीतिक साझेदारी और उससे भी महत्वपूर्ण कश्मीर को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को कम करने पर बातचीत की। ये मुश्किल था लेकिन बातचीत अच्छी रही। कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने के बाद मोदी और ट्रंप की ये पहली बातचीत थी। पीएम मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना ट्रंप के सामने उसका चिट्ठा खोल के रखा और दो टू कह दिया कि सीमा पार आतंकवाद पर रोक लगाना भारत के लिए जरूरी है। पाकिस्तान से रिश्ता तभी संभव है जब वो आतंकवाद रोकेगा। पाकिस्तान की भारत विरोधी हरकतों से इलाके में शांति को खतरा है। क्षेत्र में कुछ नेता भारत के खिलाफ हिंसा भड़काने में लगे हुए हैं। पीएम ने साफ कर दिया कि भारत अपने हित में हर कदम उठाएगा। लेकिन 30 मिनट की चर्चा सिर्फ कश्मीर पर फोकस नहीं थी। मोदी और ट्रंप ने द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा की, अफगानिस्तान में मिलकर काम करने का संकल्प दोहराया। पीएमओ ने भी ट्वीट कर इस बातचीत की जानकारी दी। पीएमओ ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की। दोनों के बीच 30 मिनट की बातचीत सौहार्दपूर्ण और गर्मजोशी से भरी रही। ये दोनों नेताओं के बीच के रिश्तों को भी दर्शाती है। पीएमओ के एक दूसरे ट्वीट में कहा गया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने आतंक और हिंसा से मुक्त वातावरण के निर्माण पर जोर दिया और कहा कि ऐसे वातावरण में सीमा पार आतंकवाद की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। क्षेत्रीय परिस्थितियों पर पीएम मोदी ने कहा कि कुछ नेताओं द्वारा भारत के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी क्षेत्रीय शांति के लिए लाभकारी नहीं है। पिछले महीने राष्ट्रपति ट्रंप के कश्मीर पर मध्यस्थता वाले बयान से कुछ तल्खी जरूर आई थी जिस पर खुद ट्रंप ही झूठे साबित हुए थे। उसके बाद मोदी और ट्रंप की ये पहली चर्चा थी। कश्मीर पर चर्चा के बहाने पीएम मोदी ने अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप को भी मैसेज दिया कि कश्मीर विवाद को भारत द्विपक्षीय बातचीत से ही सुलझाएगा और कश्मीर पर भारत को किसी तीसरे का दखल मंजूर नहीं है। लेकिन कश्मीर पर एक के बाद एक मात खाने के बाद भी पाकिस्तान नहीं सुधर रहा। आर्टिकल 370 हटाने पर पाकिस्तान ने छाती पीटी तो दुनिया में किसी ने नहीं सुनी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपना झूठ लेकर गया तो 14 देशों ने ठेंगा दिखा दिया। पाकिस्तान को झिड़कने वाले 14 देशों में खुद अमेरिका भी था। बहुत दुनिया में हर देशों के लोगों के दरवाजे जाकर दरवाजा खटखटा रहा है कि पाकिस्तान को बचा लीजिए, पाकिस्तान को बचा लीजिए। भारत ने गड़बड़ कर दिया, क्या अपराध कर दिया हम लोग? रह रहकर कभी कभी धमकी भी देता है। लेकिन जो दुनिया का आज सबसे ताकतवर देश जिसे लोग मानते हैं अमेरिका, वहां के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा हटो हटो जाओ, भारत के साथ बैठकर बातचीत करो, यहां आने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन पाकिस्तान की मजबूरी है कि कश्मीर पर रोए गाए नहीं तो फिर क्या करे। राष्ट्रपति ट्रंप का फोन आया तो पूरे 12 मिनट तक इमरान सिर्फ कश्मीर पर ही बोले और ट्रंप से फिर कहा कि अमेरिका कश्मीर मुद्दे में दखल दे। इमरान ने कश्मीर में मानवाधिकार संगठन भेजने की मांग भी की। इमरान ने 16 अगस्त को भी ट्रंप को फोन करके कश्मीर पर दुखड़ा रोया था। बावजूद इसके अमेरिका उसकी बातों में नहीं आया और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सिर्फ चीन ही था
जिसने पाकिस्तान के आंसू पोंछे, लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने दावा किया कि ट्रंप ने इमरान को बड़ा भरोसा दिया है। लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री भूल गए कि कभी अमेरिका तो कभी चीन से हमदर्दी हासिल करने के ऐसे दावे तो वो कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद कई बार कर चुके हैं। पाकिस्तान के इन दावों को सच माने तो फिर यूएनएससी में 14-1 से मिली हार क्या थी? पाकिस्तान के विदेश मंत्री खुद कितने कंफ्यूज थे ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही दिखा दिया। सूत्रों की माने तो इमरान खान का डोनाल्ड ट्रंप को 12 मिनट का कॉल एक तरह का ब्लैकमेलिंग कॉल था, एक तरह की आखिरी कोशिश भी थी। इमरान ने इशारों में ट्रंप को अफगानिस्तान का वास्ता दिया और ये जताने की कोशिश की कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान अमेरिका के काम आएगा तो कश्मीर में अमेरिका भी पाकिस्तान के काम आए। लेकिन भारत के कड़े रुख को देखते हुए कश्मीर पर पाकिस्तान की ये ब्लैकमेलिंग उसी पर भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।